कोई स्त्री का मामला लग रहा है। एक औरत है जो तुम्हारी जिंदगी में परेशानियां पैदा कर रही है, है कि नहीं? बाबा अब आप ही कुछ उपाय बताइए, मैं तो परेशान हो गया हूँ ऐसी जिंदगी से। परेशान मत हो वत्स, 3 महीने, 3 महीने ये हाथ पे बांधे रखना, तुम्हारी किस्मत जल्द ही तुम्हारा साथ देगी। जय हरी जय हरी जय हरी। पैसे रख लो। मुन्नी जी, कुछ बात है क्या? नहीं जी, ऐसे काहे पूछ रहे हो आप? इस धंधे में आने के बाद लोगों की अच्छी पहचान है मुझे, कुछ तो बात है। तुम मुझे नहीं बताएगी तो किसको बताएगी? बात तो सारी वही है ना पंडित जी, यह अपना सा कोई लगता ही नहीं है। आपको तो फुर्सत भी नहीं मिलती है आपके इस नए धंधे से। साल हो गया गांव छोड़ के आए हुए, गांव की बहुत याद आती है। पंडित जी, मैं क्या सोच रही थी, क्यों ना कुछ दिन छुट्टी लेकर गांव हो आए। ऐसा कौन झटका लग गया आपको छुट्टी के नाम से? अच्छा बाबा, नहीं बोलती, खाना तो खाइए। तुझे तो पता है मुन्नी, गांव में मेरे ऊपर कितना कर्जा है, और छुट्टी ले लूंगा तो परसों जो हमने बाजार में कंगन देखे थे तेरे लिए वो कैसे खरीद ले आऊंगा? ये रख, पूरे दिन की कमाई, और इसमें से कुछ पैसे निकाल के तेरे लिए वो पीली वाली साड़ी खरीद ले आना। भाई ये मेरी तरफ से। क्यों, तेरी माँ की शादी का बर्थडे आज? नहीं भाई, आज मैं एक बाबा के पास गया था। अच्छा। वो बाबा ने बोला कि जल्दी मेरी किस्मत चमकने वाली है, और आज ही क्या हुआ पता है, मेरे को मेरे आइटम का भी फोन आया। अबे चल चल, पत्ते बाट पत्ते बाट। भाई वो आदमी को हम ढूंढ रहे थे ना, उसका क्या हो गया? मैं क्या बोलता हूँ, कहाँ उसके पीछे अपना टाइम बर्बाद करते हो। बर्बाद तो मैं उसको करूंगा, गुरु नायक से पंगा लिया। क्या है तेरे पास? एड्स, किस्मत ही खराब है। भाई मैं क्या बोलता हूँ, आप आपका प्रॉब्लम लेके वो बाबा के पास चलो ना, क्या पता आपकी भी किस्मत वो चमका दे। बाबा ये हमारे बड़े भाई हैं, बहुत समय से थोड़े परेशान हैं, अगर आप मदद कर देते तो। मैं तुम्हारी जरूर मदद कर सकता, फिलहाल मेरा विश्राम का समय हुआ है।
जय हरी जय हरी जय हरी। ऐसी कौन सी जल्दी में हो पंडित, हमें भी तो अपना चमत्कार दिखाओ। बहुत सुने हम तुम्हारे बारे में। अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, संध्या ढलने के बाद मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे माफ करो गुरु, चल आना। जय हरी जय हरी जय हरी। अबे कौन बाबा है बे? आप मेरा नाम कैसे जानते? मैं और भी बहुत कुछ जानता हूँ तेरे बारे में गुरु नायक। जाओ अपने गांव वापस लौट जाओ, अपने परिवार से दूर तुम्हारे जान के लिए खतरा है। खतरा? कैसा खतरा? और क्या जानते आप, और किस खतरे की बात कर रहे थे आप? अभी मुझे बहुत दूर जाना है, आप कल आना। ऐसे नहीं जा सकते आप, आपको मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा। भाई भाई मैं बोलता हूँ। बाबा जी वो क्या है ना, भाई बहुत दिनों से परेशान है, पिछले एक साल से एक आदमी को ढूंढ रहे हैं लेकिन वो मिल नहीं रहा है। अगर आप कुछ मदद कर देते तो। अगर मेरी बातों से तुम संतुष्ट हो जाओगे तो दुगने पैसे दोगे? दूंगा, दुगना नहीं तिगना दूंगा। बोलिए क्या जानते हैं और कहां मिलेगा मुझे वो हरामखोर? नहीं मिलेगा वो, इसने तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। अरे ऐसे कैसे नहीं मिलेगा, किसी भी कीमत पे उसे ढूंढ के निकालूंगा मैं। वो कीमत तुम्हें बहुत ही भारी पड़ेगी गुरु। 3 महीने पहले वो बहुत ही बुरी मौत मर चुका है, उसे अपने कर्मों की सजा मिल चुकी है। जाओ अब तुम वापस लौट जाओ अपने घर। गुरु नायक अपने घर वापस लौट जाओ। जय हरी जय हरी जय हरी जय हरी जय हरी। साला ये तेरा बाबा है कौन, इतना सारा मेरे बारे में कैसे जानता है? भाई मैंने आपको बोला था ना, ये कोई ऐसे वैसे बाबा नहीं है, चमत्कारी बाबा है। चुप कर, कुछ तो लफड़ा है वो बाबा, कुछ तो छुपा रहा है। अरे भाई आप ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इसके बारे में। अरे खुशी का मौका है, सेलिब्रेट करो। चीयर्स। चलो उठ, चल पता लगाएंगे आखिर ये बाबा है कौन। चल परेशान हो रही है। क्यों परेशान ना हो, हम सब कुछ तो बता दिया उन्हें। सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ बात नहीं। वो हमें नहीं छोड़ेंगे, वो यहाँ जरूर आएंगे, उस पंडित को ढूंढने के लिए आएंगे। ठाकुर साहब के बेटे हो, चलिए उठिए, यहाँ से जल्द भागने में हमारी भलाई है। शायद तू ठीक कह रही है, वो यहाँ पे आ सकते है। चलो जल्दी करो। मैं आती हूँ, निकलिए आप, चलिए। Thank you.
कहाँ गया साला? मुझे मालूम था उसे कुछ ना कुछ जरूर मालूम है। भाई क्या है? अरे साला उसकी माँ का, साला ये तो वही है, धोखा दे के भाग गया, फिर से धोखा।